से पुरानी स्वेटर होती है उसमें से सॉक्स बनाएंगे। ये जो पुरानी स्वेटर का कैप वाला पोर्शन होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, वहाँ पे साइड में इसके इस तरीके से बॉर्डर है वो मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये हुड वाली नहीं है, आप नॉर्मल टी शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं, बॉटम में जो बॉर्डर है या स्लीव का जो बॉर्डर है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं हुड वाला पोर्शन यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इस हुड को अलग कर लेती हूँ। आप चाहें तो बॉटम वाला पोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं या स्लीव का बॉटम का पोर्शन होता है या जो ओपन बटन वाली होती है उसके साइड में जो बॉर्डर वाला पोर्शन होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से निकालूंगी, एक मेरी इस तरफ से निकलेगी, एक इस तरफ से निकलेगी, यहाँ साइड से भी मैं इसे अलग कर लेती हूँ। तो ये मैंने कटिंग कर लिया, एक इसमें से मेरी एक सॉक्स निकलेगी, एक सॉक्स मेरी इसमें से निकलेगी। कटिंग कैसे करनी है हमने नीचे भी होता है बॉटम में होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बॉटम वाला इस तरीके से बॉर्डर ले लीजिए। तो इस तरीके से एक बड़ा सा स्क्वायर पीस मैंने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बॉर्डर पोर्शन किया था ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे यहाँ हमारा ऊपर की तरफ आएगा सॉक्स के इस तरीके से। तो ये हमें बनाना कैसे है, जैसे जिस भी पैर का आपने बनाना है तो सबसे पहले हमारा ये यहाँ पे आएगा बॉर्डर इस तरीके से और फिर ये रैप होके इस तरीके से आएगा यहाँ पे, यहाँ पीछे यहाँ इसके सिलाई लगेगी। तो जिस पैर का बनाना हो पहले उस पैर पे इस तरीके से आपको पकड़ना है जो आपने बॉर्डर लिया है, क्योंकि ये स्ट्रेच हो जाता है तो ये अपनी शेप ले लेगा। यहाँ से लेके यहाँ पर आप इसे ऐसे रखिए, उसके बाद जितना लंबाई आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल टाइट फिटेड रखते हुए इस तरीके से, जितना भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं इस तरीके से टाइट फिट मैंने पकड़ा और यहाँ से टाइट फिटेड इसको बिल्कुल रखते हुए इस तरीके से पैर को फोल्ड कीजिए। ये इस तरीके से हमारी सॉक्स आएगी पूरी, ये देखिए। तो ये मैंने किया इस तरीके से, नाप लिया इसे रखा और इस पे यहाँ से देखिए पूरा है, थोड़ा सा 1 इंच का मार्जिन है, इस पर हल्का सा रफ पे निशान लगा लीजिए इस तरीके से राउंड में, इस तरीके से ये राउंड में मैंने हल्का सा इस पर निशान लगा लिया इस पर। अब पैर को बाहर निकाल लीजिए, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली जो अभी मैंने निशान लगाया था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कीजिए तो ये हमारा साइड वाला पोर्शन बन गया, बैक वाला, ये आगे से हमारी गोलाई बन गई इस तरीके से और ये सॉक्स हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, रेडी टू वेयर है। जिस भी नाप का आपने बनाया था उसमें डाल के देखिए, ये मेरी सॉक्स बिल्कुल रेडी है।